कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के बैनर तले संस्कृत विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी 15 नवंबर से क्रमवार अनशन कर रहे हैं। इस अवसर पर इन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इसी प्रकार से क्रमवार अनशन करते रहेंगे। वहीं इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग की समस्या का समाधान। इन लोगों के समस्या के संबंध में जब हमने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, कर्मी का अभाव है, बहुत जल्द ही इन लोगों के समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग उनको कहे हैं कि आप अपने तरफ से दो आदमी का नाम दें और हम अपने तरफ से विश्वविद्यालय की ओर से दो कर्मचारी देंगे, सभी बैठकर समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन अनशनकारी शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमको लिखित आवेदन नहीं मिलेगा, लिखित सूचना नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। लोग को लिखित सूचना दे विश्वविद्यालय प्रशासन, तब जाके हम लोग मानेंगे। देखना यह है कि इन दोनों की जो वार्ता है इसका फल परिणाम क्या होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट प्रशासन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हमारी मांगे पूरी हो, मांगे हो मजबूरी हो। खिन्न होकर हम लोग बैठे, यदि हो गया होता या होता रहता तो हम लोग क्यों बैठते हैं? जब कुलपति ने कहा है कि आप अपने तरफ से दो कर्मी को दें और मैं अपने तरफ से दो कर्मी को देता हूँ, वेतन निर्धारण, पेंशन की समस्या सभी का समाधान होगा, इस संबंध में वो तीन दिन पहले हम लोगों ने दे दिया था ना, लेकिन केवल मौखिक से हम लोग नहीं मानने वाले। आप कमेटी बनाइए, कमेटी काम करे, कुछ लोग आपके मदद में जो नाम दिया गया वो आपको सहयोग करेंगे और शेष लोग बैठ करके देखेंगे कि कैसा काम हो रहा है। क्या आप अपने तरफ से दो लोगों का नाम उन्हें दिए हैं? तीन लोगों का नाम दे चुके हैं। क्या आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ, साथ में सहयोग करेंगे, लेकिन मौखिक आश्वासन पर कुछ नहीं करेंगे। लिखित चाहिए आपको? लिखित चाहिए और काम होना चाहिए। मरना ही है, सड़क मरना है, बीमारी से मरना है, भूख से मरना है, तो यही मरना है। आज पर जो है 20 तारीख को शाम में हम लोगों की ओर से हमारे जो मंत्री हैं दो नाम दे चुके हैं, कर्मचारी का नाम हम लोगों की ओर से दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वह मौखिक है, लिखित कुछ नहीं हुआ है। इस पर यह भी कहा गया था कि आप लोग आंदोलन छोड़ दें, लेकिन आंदोलन तो अभी हमारे जो सचिव हैं वह कही दिए कि तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोगों का पूर्ण रूप से सारे मांग की पूर्ति और कार्य रूप में हम लोग नहीं देख लेते हैं। जब तक कार्य रूप में नहीं आ जाता है, पेंशन चालू नहीं हो जाता है, प्रमोशन हो नहीं जाता है, शिक्षा कर्मचारी दोनों का, उपशास्त्री महाविद्यालय का भी, तब तक हम लोग अनशन धरना पर यहाँ बैठे। तो क्या आप लोग अपने तरफ से दो कर्मियों को देंगे तब जब वो लिखित देंगे आपको? हम लोग लिखित दे चुके हैं। तो क्या उधर से उसका नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होगी, अधिसूचना के बाद हम लोग चिट्ठी निकलेगी। हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक उधर से कुछ। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि विधिवत विश्वविद्यालय तरफ से पहल होगा, तब हम लोग आगे की रणनीति सोचेंगे। नाम बताया जाए। डॉक्टर पवन कुमार मिश्र। पेंशन का राशि उपलब्ध नहीं है, जो राशि दिखाते हैं वो अन्य के लिए है, उनके लिए नहीं है। पेंशन निर्धारण होगा, उसके बाद राशि की मांग की जाएगी, राशि आने पर भुगतान होगा। और पेंशन निर्धारण तब तक नहीं होगा जब तक सप्तम प्रलिखित वेतन मान में वेतन सत्यापन नहीं हो जाता है। वेतन सत्यापन के लिए यहाँ से लिखा गया था, भेजा गया था, जो संशोधन के लिए आया है वो संशोधन हो रहा है। अभी कर्मचारी सब चुनाव ड्यूटी पर हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं, वो आएंगे बैठेंगे अपना चला जाएगा, मांग में कोई दम नहीं है। यही बात है, 10 दिन में सब समाधान हो जाएगा। मैं एग्रीमेंट हो गया था कि वो दो आदमी वो देंगे, दो आदमी हम देंगे, बैठ करके वो वेतन सत्यापन हो जाएगा। कल वे परसों वे दो आदमी का नाम भी दिए और चल रहा है, तो समझौता तो हो गया है, अब हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं है, तो बैठे हैं। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास
चुनाव को लेके उनके कर्मचारी नहीं रहने के कारण काम में विलम्ब हो रही है। दूसरा है जो वो दिए हैं दो नाम, हम भी दिए हैं, तो बैठे बैठे तब तो होगा, वो अपने तरफ से दिए हैं नाम, वो मुस्तैद हुआ, उनका काम है दायित्व। पदोन्नति का भी इन लोगों का मांग है कि पदोन्नति नहीं हो रहा है, तो उन्हीं का नहीं है, तो पूरा यूनिवर्सिटी का है, ऊपर तो कमिटी बैठेगी तब होगी, वो होगा। तो इन लोगों का जो अनशन है उस संबंध में क्या कहेंगे कि क्या इन लोगों को आप आश्वासन देते हैं? देते हैं, वो तो वे समझौता हो गई है, फिर वो बैठे हैं, तो क्या वो दो आदमी दिए हैं और दो आदमी हम दिए हैं, मिल करके समाधान करेंगे। तो ये कब मैंने चुनाव समाप्त होने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? नहीं, अभी वो दो दिए हैं, हम दो दिए, तो चुनाव का मुद्दा नहीं है, अब उनकी उनका विलम्ब है। ठीक है, तो मैंने उन लोग की तरफ से ही पहल अब होने की आवश्यकता है। बस बस।